प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरकांठा की गड़ौदा चौकी स्थित साबर डेयरी में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित लगभग 120 टन दैनिक क्षमता के विश्व स्तरीय एवं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले दुग्ध पाउडर संयंत्र और एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन शामिल है, जिसकी क्षमता दैनिक 3 लाख लीटर है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर आयोजित सभा में सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों और शीर्ष महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी। अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए। हमारा बता और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता